हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और मैं आज आप लोगों को स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियूस वर्ल्ड में। मैं आज बहुत दिनों के बाद मतलब वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि लेकिन मैं फिर भी मैनेज करके आप लोगों के लिए कुकिंग वीडियो डाल रही थी बीच में। और आज मैं आप लोगों के साथ एक चैलेंज करने वाली हूँ, मतलब जो 24 आवर ईटिंग चैलेंज होता है उसको करने वाली हूँ। तो आज मैं खाने वाली हूँ 24 आवर पास्ता। तो लॉकडाउन की वजह से बाहर तो मैं कहीं पर जाके नहीं खा सकती हूँ, तो घर में ही बना के सारा चीज़ हम लोग खाएंगे। तो मैं 24 आवर तो पास्ता ही खाने वाली हूँ। तो सुबह का ब्रेकफास्ट भी मैं खुद ही बनने वाली हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं खा सकती हूँ ऑब्वियसली। तो मैंने पास्ता खुद ही घर में बनाया है, जो मैगी वाला पास्ता आता है मैंने ब्रेकफास्ट के लिए वही पास्ता लिया था। मतलब उसमें थोड़ा सा मैंने मेयोनीज और थोड़ा सा केचप ऐड कर लिया था, तो ये कुछ इस तरीके का बन गया है पास्ता। और मैं ब्रेकफास्ट के लिए इसी को ही करने वाली हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट यही पास्ता करने वाली हूँ। और दोपहर को ट्राई करूँगी कुछ अच्छा बनाने के लिए, सोची हूँ कुछ अच्छा बनाने का। तो चलिए हम इसी को ही खा के अपना काम चला लेते हैं। मैं आज ये वाला कॉम्बिनेशन मतलब पास्ता मतलब मैगी वाले पास्ते में मैं मेयोनीज और केचप ऐड करके आज पहली बार खाने वाली हूँ। और बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा सा आप लोगों को आएगा, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सभी घर में हैं तो आवाज़ तो ज़रूर आएगा। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, एंड हियर गोज़ द फर्स्ट बाइट। देखते हैं कैसा लगता है। अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो गया बिकॉज मैं कब से उसको बना के रख ली थी और मुझे थोड़ा सा काम में बिजी थी तो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाई। तो चलिए कोई नहीं, अभी कर लेते हैं। गर्म होता तो शायद और अच्छा लगता, ठीक है चलेगा, टेस्टी है। तो पास्ता हो गया है मेरा ख़त्म, मतलब ब्रेकफास्ट मेरा ख़त्म हो चुका है। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रही थी कि मेरा थोड़ा सा काम है, मैं उसको निपटाने के बाद जाऊंगी नहाने के लिए, और मैं नहाने के बाद आके मैं अपना लंच बनाऊंगी और लंच में मैं कुछ अच्छा बनाऊंगी आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ उसका रेसिपी भी शेयर करूँगी। और आज मेरा तबीयत भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मुझे आज ही ये चैलेंज कम्प्लीट करना था तो मैंने चल दिया ये चैलेंज कंप्लीट करने के लिए। देखते हैं कहाँ तक का होता है, आई होप कि मैं इसको पूरा कर दूँ। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। हाय गाइस, मैं अभी नहा धो के तो आ गई हूँ और अभी हो गया है मेरा लंच टाइम, और लंच में मुझे खाना है पास्ता। तो मैं अभी जा रही हूँ चीज़ पास्ता बनाने, तो आप मेरे साथ चलिए मैं अपने स्टाइल में कैसे चीज़ पास्ता बनाती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं इसका रेसिपी। तो चीज़ पास्ता बनाने के लिए हमको पैन में थोड़ा सा ऑयल लेना पड़ेगा, मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ली हूँ। जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए हम उसमें कटा हुआ लहसुन ऐड कर लेंगे, फिर कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, उसको अच्छी तरीके से हम पका लेंगे। जब वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो उसमें हम लोग थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, फिर मैंने थोड़ा सा केचप और थोड़ा सा सोया सॉस ऐड किया है। जब वो अच्छी तरीके से पक जाएंगे तो हम उसमें टेस्ट वाइज हम उसमें नमक डाल देंगे, फिर उसमें हम बॉईल किया हुआ पास्ता ऐड कर देंगे, उसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे, फिर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो ऐड कर देंगे। आप चिली फ्लेक्स के जगह अगर आप लोगों को सुपर स्पाइसी पसंद है, चिली फ्लेक्स के साथ आप लोग थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट वाइज। फिर हम उसमें थोड़ा सा ग्रेटेड किया हुआ चीज़ डाल देंगे। जब तक का चीज़ मेल्ट हो रहा है तब तक का हम लोगों को इसको पकाना है, जब चीज़ मेल्ट हो जाएगा तो हम उसको निकाल देंगे। और हमारा चीज़ वाला पास्ता रेडी हो गया है और ये बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है, तो चलिए मैं इसको खाती हूँ। ओके, तो अभी हो गया है मेरा लंच ख़त्म और मैं काफ़ी फुल हो चुकी हूँ, क्योंकि चीज़ था इसमें
तो और पास्ता वो भी वैसे वैसे भी वो हेवी ही होता है, तो मैं काफ़ी फुल हो चुकी हूँ, मतलब मुझे और भूख नहीं लग रहा है। ऑब्वियसली इतना खाने के बाद किसको भूख लगेगा। तो चलिए बाय। हाय गाइस, मैं भी फिर से आ गई हूँ क्योंकि अभी हो गया है मेरा डिनर टाइम, और मैं अभी डिनर में करने वाली हूँ ऑब्वियसली पास्ता ही खाऊंगी क्योंकि ये 24 आवर पास्ता ईटिंग चैलेंज है, तो मैं पास्ता ही खा सकती हूँ। और मैंने जो दोपहर को आप लोगों के साथ चीज पास्ता का रेसिपी शेयर किया था, मतलब मैं उसी को ही खाई थी। उसको खाने के बाद मुझे जो नींद आया मैं फिर सो गई, और अभी उठी हूँ, थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, और मैं अभी बनाने वाली हूँ रेड सॉस पास्ता। तो उसके लिए मुझे मतलब मुझे आइडिया नहीं था रेड सॉस पास्ता कैसे बनाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा यूट्यूब में सर्च करके देख लिया और मुझे एक आइडिया आ गया है कैसे बनाना है क्या बनाना है। तो मैं अभी जा रही हूँ बनाने के लिए। अगर रेसिपी मतलब अगर ये अच्छा बना तो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी, मतलब ये वाले वीडियो में नहीं, आगे किसी वीडियो में आप लोगों के साथ डाल दूँगी ये पास्ता का वीडियो। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और मैं अभी जा रही हूँ मेरा मतलब रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए, तो चलिए रेड सॉस पास्ता मैं बना के आती हूँ। अभी मेरा रेड सॉस पास्ता बन चुका है। आई नो मैं आप लोगों के साथ वीडियो नहीं शेयर कर सकी क्योंकि मतलब मुझे पता नहीं था ये अच्छा बनेगा या फिर नहीं। अगर अच्छा लगा तो मुझे मतलब देख के तो मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा ही बना है। तो नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आप लोगों के साथ इसका रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलिए आप मेरा रेड सॉस पास्ता को थोड़ा सा देख लीजिए, मतलब पहली अटेम्प्ट में ये इतना टेस्टी बना है और इतना मतलब टेम्पिंग लग रहा है मुझे, मेरा मन कर रहा है मैं अभी के अभी इसको खा लूँ। मेरे मुंह में बहुत ज्यादा पानी आ रहा है, तो चलिए मैं खाती हूँ मेरा रेड सॉस पास्ता। तो अभी हो गया है मेरा मतलब डिनर मतलब ख़त्म हो गया है, मतलब मैं इसको खा चुकी हूँ पूरा। आप लोग देख सकते हो मेरा प्लेट पूरा खाली है, इतना टेस्टी था। तो मैं इसको खा ली पूरा, मुझे अच्छा लगा ये खा मतलब खा के। मैं आप लोगों के साथ इसका रेसिपी ज़रूर आगे मतलब किसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अगर आई होप कि आप लोग कोरोना की वजह से घर में ही होंगे और ठीक होंगे, तो मतलब घर में ही रहिए आप लोग ज़्यादातर। ज़्यादा अगर काम ना हो तो आप लोग बाहर मत निकलिए। यही मैं आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आप लोग हमेशा मतलब ठीक ही रहें। तो आज का चैलेंज मेरा यहीं पर ख़त्म हो चुका है, मतलब मेरा ये चैलेंज आज यहीं पर ख़त्म हो गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, और मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब बटन के पास आप लोगों को एक बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा दीजिए फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। और अगर आप लोगों को कुछ नया वीडियो देखना है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो मतलब लाने का कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।